कोरोना की दलदल में दुनिया हर पल फंसती चले जा रही है। ना उम्मीदी और मौत के खौफ ने दुनिया के हर इंसान के सीने में डर का एक साया बांध दिया है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत करता हूं गली न्यूज में। हर दिन लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक हर पल अनेक अनेक प्रयत्न कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में, लेकिन वे अभी तक तो असमर्थ रहे। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भारत को दो बार महामारी से बचाया, जिसने भारत के करीबन 5 से 10 लाख लोगों को दो बार बचाया। उनका नाम वाल्डेमर हॉफकिन है। तो आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो हमने स्पेशल वाल्डेमर हॉफकिन पर बनाया है। वाल्डेमर हॉफकिन का जन्म यूक्रेन के ओडेशा शहर में हुआ था, जबकि यह बात अलग है कि उनके जीवन के 22 महत्वपूर्ण साल भारत में गुजरे थे। उन्होंने रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, मगर वह कभी प्रोफेसर नहीं बन सके क्योंकि रूसी साम्राज्य में उस वक्त यहूदियों को इतना बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। इन सब के बाद उन्होंने अपने देश को अलविदा कहना ही ठीक समझा था और फिर वह जेनेवा पहुंच गए। जेनेवा में उन्हें फिजियोलॉजी पढ़ाने का काम तो मिल ही गया, लेकिन उनकी संतुष्टि वहाँ भी नहीं थी। फिर हॉफकिन अपने गुरु लुईस पाश्चर के पास पहुँचे। पेरिस में वह पाश्चर इंस्टीट्यूट में सहायक लाइब्रेरियन का पद तो संभाल ही रहे थे, साथ ही बैक्टीरियोलॉजी पर वह अपना अध्ययन भी कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी में महानता हासिल कर ली और हैजा वैक्सीन बनाने की ओर मुड़ गए। जब उनकी वैक्सीन तैयार हो गई तो उन्होंने मुर्गे और गिनीपिग पर परीक्षण किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने पहले मानव परीक्षण के लिए खुद पर ही वैक्सीन का इस्तेमाल कर लिया। मगर जब उन्होंने इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का सोचा तो सबसे पहले उनके गुरु लुईस पाश्चर का ही समर्थन उन्हें नहीं मिला। लेकिन इसी बीच हॉफकिन की किस्मत चमकने वाली थी। हॉफकिन की मुलाकात लॉर्ड फ्रेडरिक से हुई, जो उस समय ब्रिटिश राजदूत थे और इससे पहले वह भारत के वाइसरॉय भी रह चुके थे। भारत में सन 1893 में एक बड़े पैमाने में हैजा फैला हुआ था। लॉर्ड फ्रेडरिक ने हॉफकिन को उनकी वैक्सीन भारत में इस्तेमाल करने की सलाह दी। वैक्सीन कामयाब हो इसी उम्मीद के साथ हॉफकिन भारत पहुँचे और फिर दुनिया में पहली बार किसी भी वैक्सीन का एक बड़े पैमाने में परीक्षण किया गया। 42,000 से भी ज़्यादा भारतीयों पर यह परीक्षण किया गया और हॉफकिन ने हजारों जान बचा ली। हॉफकिन ने भारत को हैजा महामारी से मुक्त तो कर ही लिया था, लेकिन जल्द सन 1896 में भारत में प्लेग महामारी ने दस्तक दी। फिर हॉफकिन को मुंबई आमंत्रित किया गया। मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज में उनके लिए प्रयोगशाला बनाई गई थी। फिर क्या था, हॉफकिन ने अपना जलवा फिर से दिखा दिया और सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने प्लेग की वैक्सीन तैयार कर ली थी। प्लेग की वैक्सीन सबसे पहले हॉफकिन ने एक खरगोश पर इस्तेमाल की थी, फिर मानव परीक्षण के लिए उन्होंने 154 जेल के कैदियों को चुना। उन दिनों जेल कैदियों पर किसी भी चीज का परीक्षण करना कोई नई बात नहीं थी। कैदियों पर सफल परीक्षण के बाद देश भर में मोटे तौर पर यह वैक्सीन इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार वैक्सीन उतना सफल ना रहा। मगर आंकलन करें तो 50% मामलों में यह वैक्सीन काम कर गया। महामारी के दौरान 50% लोगों की जान बचा लेना भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक महामारी जहां लगभग भारत के 10 से 15 लाख लोग प्रभावित थे, वहां पे हॉफकिन ने लगभग 7 से 8 लाख लोगों की जान बचा ली थी। तो इस तरह हॉफकिन ने दो बार भारत को महामारी से मुक्त किया था। उनकी सफलताओं के चलते उन्हें महात्मा हॉफकिन भी कहा जाने लगा। फिर 1925 में उनके सम्मान में ग्रांट इंस्टीट्यूट का नाम हॉफकिन इंस्टीट्यूट रखा गया और यह नाम आज तक कायम है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1964 में भारत डाक ने उन पर एक टिकट भी जारी की थी। एक बार फिर हम आज की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें,
तो पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोजने में जुटी है। ऐसे में हॉफकिन उन सभी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष राजपूत।